मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में पीर के बाजार में लगे ईद के मेले में पार्किंग चलाने वाले एक युवक ने कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घायल युवक को लेकर उसका भाई मझोला थाने पहुंचा, जहां से पुलिस ने घायल को उपचार व मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि मझोला थाना क्षेत्र के पीर का बाजार में रहने वाले शाने आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका भाई शाहरुख पीर के बाजार में लगे मेले में वाहन पार्किंग चला रहा है। बताया जा रहा है कि पार्किंग में कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान पार्किंग संचालक शाहरुख बीच बचाव करने पहुंचा और उन लोगों से कहा कि यहां पर झगड़ा मत करो। आरोप है किसी बात को लेकर उन लोगों ने वाहन पार्किंग संचालक शाहरुख के साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल शाहरुख के भाई शाने आलम का यह कहना है कि मारपीट करने वाला युवक मोती मस्जिद के पास का रहने वाला समत और उसके साथी है। ठीक है, उसमें हमारा के भाई का गैरेज है, शाहरुख का क्या है गैरेज पार्किंग। अच्छा, पार्किंग। हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा झगड़ा हो रहा था किसी का, तो हमारा भाई बोला यहाँ से हट के करो झगड़ा। अच्छा, किसी का झगड़ा हो रहा था? किसी और का झगड़ा हो रहा था हमारे भाई को, उसको शाहरुख को मार लिया 10-15 लड़कों ने, जख्मी कर दी। क्यों मारा? मतलब ये कि यहाँ से हट के झगड़ा करो हमारी पार्किंग के पास। अच्छा अच्छा, बीच बचाव करा रहा था, उसमें इन्होंने झगड़ा कर लिया। वो कौन लोग थे? किसके कौन लोग थे? वो हमारे उसके भाई के तो कोई नहीं लगते, तो सिर्फ मेला देखने के नहीं आए थे। वहाँ पर थोड़ा झगड़ा हुआ, वो बोला भाई मेरे यहाँ से गैरेज पे हट के झगड़ा करो, तो उसको मार पिटाई कर दी। नहीं जानते आप कौन लोग थे? नहीं, हम नहीं जानते। उसका नाम पता चला है बस। क्या नाम है? समत होसी। कहाँ रहता है ये भी नहीं पता? ये मोती मस्जिद पे। कहाँ रहता है कुछ पता है? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जी, करूला मोती। कितने लोग थे वो? थे 10-12 लड़के। कितनी चोट आई आपके भाई के? भाई के काफी चोट आई है, मुंह पे उसके पंच मारा है घुसा, और दिमाग को मारी है, मन चोट है। वो पार्किंग का ठेला लगा रहे हैं? मैं नहीं, पार्किंग अपनी खुद की है। खुद की पार्किंग है जी, मेले में जी।